पिछली सरकारों ने चीन का मनोबल थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा दिया था। इसके कारण चीन हर बार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब भारत में नेतृत्व बदल गया है। चीन को भी इसका अंदाजा लग गया। भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन को भारत की ताकत का एहसास कराने की चेतावनी देकर ड्रैगन को चुनौती दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कैसे लगाई फटकार, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन अब भी 60 साल पहले वाले मोड में है। भारत अब 1962 से काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन चीन की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। चीन को लगता है कि भारत के ऊपर वे दबाव बनाएगा और हिंदुस्तान की सरकार उसकी धौंस बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से चीन को भारत की ताकत याद दिला दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय गौरव से समझौता नहीं करेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मजबूत हो गया है। भारत अब कमजोर देश नहीं रहा है। हालांकि भारत की ये ताकत किसी को डराने के लिए नहीं है, लेकिन कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसकी औकात बताने की क्षमता हमारे पास है। ध्यान रहे कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में 5 सप्ताह से अधिक समय से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की ओर से बातचीत से मसले को सुलझाने की कवायद चल रही है। कई दौर की वार्ता की जा चुकी है। सैन्य अधिकारियों ने बातचीत करके कुछ समाधान निकाला है, लेकिन अब तक तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी भी कोशिश है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए तनातनी को खत्म किया जाए। दोनों देश सैन्य स्तर पर संवाद कर रहे हैं। चीन के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है। लोगों को समय समय पर चल रहे घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया है। ऐसे समय में बेतुके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। विपक्षी पार्टी के नेताओं को संसद में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। रक्षा मंत्री ने चीन और विपक्ष को बता दिया कि अब समय बदल गया है। भारत की ताकत तो बड़ी ही है, उस ताकत का इस्तेमाल करने वाली सरकार भी बदल गई है। मोदी सरकार किसी भी स्थिति में चीन के दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। लद्दाख में सीमा विवाद को बढ़ाकर चीन दबाव की कूटनीति कर रहा है। ड्रैगन सोचता है कि कुछ दिनों तक गतिरोध रखने के बाद भारत पीछे हट जाएगा। शायद वे डोकलाम को भूल गया, जब 73 दिनों के गतिरोध के बाद उसे पीछे हटना पड़ा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और कांग्रेस दोनों को बता दिया कि सरकार किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय गौरव के साथ समझौता नहीं करने वाली है। भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। अब देश भी मजबूत है और नेतृत्व भी कठोर है। मोदी सरकार चीन को हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। चीन चाहे कितनी भी साजिश कर ले, भारत सरकार उसके हर साजिश को नाकाम कर देगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।